बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 50,000। अब आज के इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ लैपटॉप्स बताऊंगा जिसमें आपको RTX 2050 के ग्राफिक कार्ड के साथ Ryzen 5600H सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा एंड उनमें आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी दिक्कत देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। एंड आपको जो सा भी लैपटॉप लेना है, चाहे वो आप एक स्टूडेंट हो, गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो या फिर ऑफिस वर्क करना हो, आपको सभी लैपटॉप्स बताऊंगा आज के इस वीडियो में। एंड सेल भी चल रही है तो उनमें भी आपको काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, तो वीडियो को बस एंड तक जोर से देखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो लैपटॉप है उसका नाम है MSI GF63 लैपटॉप। अब ये जो लैपटॉप है MSI की तरफ से मिलता है एंड काफी अच्छा लैपटॉप है अंडर 50,000। वैसे इसके करंट प्राइसिंग आपको 48,000 देखने को मिलती है एंड इस लैपटॉप में आपको 11th जनरेशन का इंटेल 11260H का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। 8GB की DDR4 रैम मिल जाती है जिसको आप 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हो एंड 512GB की NVMe SSD दी गई है एंड वो भी एक्सपेंडेबल है। एंड इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच की एक फुल HD IPS डिस्प्ले दी गई है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड इस लैपटॉप में आपको NVIDIA RTX 2050 का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया एंड बैकलिट कीबोर्ड के साथ ऑल नेसेसरी पोर्ट्स एंड 2 इयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा एंड जबरदस्त लैपटॉप है 50,000 के अंदर, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला जो लैपटॉप है वो आपको Lenovo की तरफ से मिलता है, उसका नाम है Lenovo IdeaPad Gaming 3। अब ये भी काफी अच्छा एंड वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आप स्कूल, ऑफिस, कॉलेज का वर्क कर पाए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड रही बात गेमिंग की तो वो भी इसमें आप इजिली अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। वैसे इसकी करंट प्राइसिंग 45,000 देखने को मिल रही है एंड ये कोई नॉर्मल लैपटॉप नहीं है, इसमें आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, मतलब काफी ज्यादा ड्यूरेबल है औरों के कंपैरिजन में। इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 5600H का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। 8GB की DDR4 रैम मिल जाती है जिसको कि आप 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। 512GB की NVMe SSD दी गई है एंड वो भी एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की एक फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इस लैपटॉप में। 4GB की NVIDIA GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड दिया गया एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है इस लैपटॉप में एंड इसके बेंचमार्क स्कोर्स भी काफी अच्छे हैं, आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन अंडर 50,000, तो इसको भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसी के साथ अगर आप भी अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना, ठीक है। अगला जो बेस्ट लैपटॉप है वो भी आपको MSI की तरफ से मिलता है, उसका नाम है MSI Bravo लैपटॉप। अब ये लैपटॉप कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है एंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा आपको ये। इस लैपटॉप में भी आपको सेम Ryzen 5 5600H का प्रोसेसर दिया गया जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। 8GB की DDR4 रैम मिल जाती है जिसको कि आप 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। 512GB की NVMe SSD दी गई है एंड वो भी एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की एक फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। AMD Radeon RX 5500M का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ बैकलिट कीबोर्ड एंड 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। वैसे इसकी भी परफॉर्मेंस आपको काफी हद तक सिमिलर Lenovo IdeaPad Gaming 3 के मुकाबले देखने को मिलती है। वैसे ये सेम लैपटॉप आपको Ryzen 5800H एंड RX 6500M ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी मिलता है, बट उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, वो आपको लगभग 60,000 का मिल जाता है, बट उसकी परफॉर्मेंस इससे तो बेटर ही है। तो अगर आप उसको देखना चाहो तो उसकी भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट लैपटॉप आपको Acer की तरफ से मिल जाता है, उसका नाम है Acer Aspire 5 लैपटॉप। इसकी करंट प्राइसिंग आपको 50,000 देखने को मिलती है एंड थोड़ा प्रोफेशनल सेगमेंट वाला लैपटॉप है, डिजाइन वाइज भी एंड परफॉर्मेंस वाइज भी। इसके अंदर आपको इंटेल का 12th जनरेशन वाला इंटेल i5 1240p का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। 8GB की 3200 MHz वाली रैम मिल जाती है जिसको कि आप 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। साथ में इसमें आपको 512GB की NVMe SSD दी गई है एंड वो भी एक्सपेंडेबल है। इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है 250 निट्स के ब्राइटनेस के साथ, बट इसके अंदर आपको RTX 2050 का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो गेमिंग आपको इस पे काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी एंड सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर एंड बैकलिट कीबोर्ड दिया गया। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा ऑप्शन अंडर 50,000, तो इसको भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इस लिस्ट के नंबर 1 लैपटॉप आपको HP की तरफ से मिल जाता है, उसका नाम है HP Victus लैपटॉप। वैसे इसकी करंट प्राइसिंग आपको 50,000 देखने को मिलती है एंड वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अंडर 50,000। इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 5600H का प्रोसेसर दिया गया जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है। 8GB की DDR4 रैम मिल जाती है जिसको कि आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। साथ में आपको 512GB की NVMe SSD मिल जाती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है 250 निट्स के ब्राइटनेस दी गई है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। AMD RX 6500M का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो सारे गेम्स आपके इजिली इस पे चल जाएंगे, वो भी हाई सेटिंग्स पर। इसमें आपको MS Office लाइफटाइम वारंटी के साथ देखने को मिल जाता है, बाकी बैकलिट कीबोर्ड ऑल नेसेसरी पोर्ट्स के साथ टोटल आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ये लैपटॉप भी आपको हाईली रिकमेंडेड रहेगा, सो गो फॉर इट। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
सो ये रहे बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000। वैसे आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप पसंद है एंड आप कौन सा लेने वाले हो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।